हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल RCI कंप्यूटर एजुकेशन स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, कल की वीडियो में आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में दोस्तों बताया था, और वहां पे मैं आपको बताया था आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स में कि हम लोग कौन कौन सा सिलेबस पढ़ेंगे, कौन कौन सा सिलेबस हम लोग जानेंगे। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। आप जाकर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आपको क्लिक करके वहाँ सबसे पहले वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। वो था आपका पहला क्लास, फर्स्ट क्लास, जो मैं वहाँ पे बताया इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन दिया था और सिलेबस के बारे में बताया था। तो चलिए हम लोग चलते हैं डे टू, मतलब कि दूसरा दिन हम लोग क्या सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में, कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। उससे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक अप्लीकेशन है RCI कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से, जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप जाकर गूगल प्ले स्टोर में वहाँ पर सर्च कर सकते हैं RCI कंप्यूटर एजुकेशन, और वहाँ पे से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने से क्या होगा दोस्तों, कि वहाँ पे बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, टैली, DTP, ADCA, DCA, और भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। तो देर न करें दोस्तों, जाकर जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए और आप वहां से आराम से कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर यहां पे मैं कुछ डिफाइन लिख दिया हूं कंप्यूटर का। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको PDF में आपको सारा कंप्यूटर का नोट्स भी मिल जाएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां से आप परचेस कर सकते हैं सारा नोट्स को। तो ये कंप्यूटर होता क्या है ना, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट वर्क्स very fast and makes our work easy. We use it to solve sums, make drawings, listen to songs, play games, watch movies and do such more. दोस्तों, मैं यहाँ पे कंप्यूटर का डिफाइन जो है, डिफिनेशन जो है, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही इजी भाषा में मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इजी लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप चाहे तो और भी इससे मजबूत स्ट्रांग बना सकते हैं, और भी अच्छा डिफाइन दे सकते हैं। तो आप कंप्यूटर डिफाइन कुछ नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर डिफाइन आप इतना ही बोल सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, तो आप इतना भी बोल सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है, जिसकी मदद से हम लोग, कंप्यूटर की मदद से हम लोग बहुत ही बड़ा बड़ा काम, बहुत ही बड़े बड़े काम को हम लोग आसानी पूर्वक में कर लेते हैं, बिल्कुल कम समय में। तो इस ये जो आपको किसकी मदद से हमारा कंप्यूटर चलता है दोस्तों, इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग अपने कंप्यूटर को चलाते हैं। ये काम जो है फास्ट बनाता है, हमारे काम को क्या करता है, बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज बनाता है, जिसकी मदद से हम लोग कुछ भी सम्स कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, अपने कंप्यूटर में हम लोग गेम खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, एंड डू सच मोर, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे काम है कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना है, एल्गोरिथम करना है आपको, तो आप अपने कंप्यूटर में सारा ये सारा काम कर सकते हैं। कंप्यूटर से आप बड़े बड़े कामों को आप मिनटों में हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, ये सारा बड़ा बड़ा काम जो है आपको कंप्यूटर में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कंप्यूटर में दो भाग होता है, मतलब एक हार्डवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पे जो मेरा काम कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, और जो अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। तो ये सारा मैं डिटेल्स स्टेप बताने वाला हूँ सेकंड क्लास में। आप सिर्फ पेशेंस रखिए और क्लास को आप रेगुलर करते जाइए, बिना स्किप किए सारा वीडियोस आपको देखना है। तो ये था आपका कंप्यूटर का डिफाइन। ओके, मैं अब चलते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर, ये आपको जो फादर ऑफ कंप्यूटर देख रहे हैं ना, कि मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे। तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम आप लोग को सभी को पता है दोस्तों कि चार्ल्स बैबेज ही थे। कौन थे हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज, जो 1837 में कंप्यूटर को लाया है। फादर्स ऑफ जो कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज जो थे 1837 में कंप्यूटर को लाए, जो कंप्यूटर का नाम था एनालिटिकल इंजन। क्या था नाम, एनालिटिकल इंजन। लेकिन दोस्तों, एनालिटिकल जो कंप्यूटर जो आया, तो उस टाइम बहुत ही बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, जिसे लोग 250-300 लोग खड़े होकर कंप्यूटर को चलाया करते थे, जिससे बहुत ही परेशानी आती गई। जैसे जैसे दुनिया बदलती गई, जैसे जनरेशन चेंज होता गया, तो कंप्यूटर का भी वास्तविकता चेंज होता गया। उसके बाद 1975 में फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर आया दोस्तों, 1975 में फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर लाया गया। कौन लाया ये कंप्यूटर, ईडी रॉबर्ट के द्वारा,
ईडी रॉबर्ट के द्वारा 1975 में फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर को लाया गया, विकसित हुआ, जो कुछ हद में ठीक था। फिर भी जनरेशन जैसे जैसे चेंज हो गया तो वहाँ पे आपको और भी छोटा सा कंप्यूटर आ गया, जैसे अभी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आपका था फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज लाने वाले थे 1837 में। उसके बाद 1975 में आया फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, जो लाए ईडी रॉबर्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। सी फोर होता है कॉमनली, ओ फोर होता है ऑपरेटर, एम फोर होता है मशीन, पी फोर होता है पार्टिकुलर, यू फोर होता है यूजर, टी फोर होता है ट्रेड, ई होता है एजुकेशन, आर फोर होता है रिसर्च। हम लोग जानते हैं क्या ये आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, ये कंप्यूटर ये, क्या ये तीन जो चार आप पार्ट्स देख रहे हैं या तीन चार पार्ट्स, ये सारा क्या ये कंप्यूटर है? नहीं, हम लोग ये क्या है, ये कंप्यूटर नहीं, सब अलग अलग भाग है। ओके, ये सारा अलग अलग भाग है, लेकिन अगर इसी चारों को हम लोग मिला देते हैं तो ये बन जाता है कंप्यूटर। क्या बन जाता है? कंप्यूटर। अगर सिर्फ आपको अगर सीपीयू रहता है दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूँ सीपीयू के बारे में, तो मैं आगे क्लास में बताऊंगा सीपीयू क्या होता है, कैसे हम लोग सीपीयू क्या बोलते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सारा हम लोग डिटेल्स जानेंगे। तो ये सीपीयू के बिना, सीपीयू सिर्फ रहता है तो कंप्यूटर को रहना जरूरी है, अगर कंप्यूटर रहता है तो सीपीयू रहना जरूरी है, है ना। तो इसी तरह आपको यहाँ पे पार्ट्स, कंप्यूटर का पार्ट्स तीन से चार होना जरूरी, तब जाकर आप कुछ कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं। तो ये था आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसके बिना हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी हम लोग काम नहीं कर सकते, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, स्विच ऑन दी कंप्यूटर, कि हम लोग कंप्यूटर को स्विच कैसे करेंगे, मतलब कि ऑन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे कंप्यूटर को ओपन करने के लिए प्रेस सर्किट बोर्ड, जो आपका कंप्यूटर जहां से अटैच रहता है बोर्ड से, तो वहां पे आपको ऑन करना है दोस्तों। ओके, उसके बाद आपको प्रेस मॉनिटर पावर, आपका जो डेस्कटॉप रहेगा, जो आपका कंप्यूटर रहेगा मॉनिटर, वो आपको पावर वहां से स्विच ऑन कर देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बटन। ओके ना, उसके बाद हम लोग प्रेस सीपीयू, सीपीयू का पावर बटन हम लोग को ऑन करना है दोस्तों। उसके बाद वेट 1 मिनट आपको स्टार्ट कंप्यूटर, 1 मिनट आपको कम से कम वेट करना होगा दोस्तों, आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि चालू हो जाएगा। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि स्विच, अब हम लोग जानते हैं स्विच, अब हम लोग जानते हैं स्विच ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम लोग कैसे ऑफ किया जाता है, कैसे स्विच ऑफ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन दी स्टार्ट बटन। हम लोग कंप्यूटर में जो स्टार्ट बटन होता है दोस्तों, जिसको यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कैसे स्विच ऑफ करते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे कंप्यूटर के स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको चल के बताएंगे सारा प्रैक्टिकली। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको प्रैक्टिकली कि कैसे हम लोग कंप्यूटर को अपने डेस्कटॉप को ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे मेरे सबका अलग अलग सर्किट बोर्ड होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा नीचे मैं लगा के यहाँ पे सर्किट बोर्ड को रखा हुआ हूँ, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक वायर जो गया हुआ है दोस्तों, एक वायर जो यहाँ पे आपका गया हुआ है ना, ये वायर आपका चला गया आपका मॉनिटर में, एक चला गया आपको सीपीयू में। तो सबसे पहले आपको सर्किट बोर्ड को ओपन करना, दोनों का जो स्विच देख रहे हैं, दोनों का स्विच को आपको ओपन कर देना। तो चलिए पहले आपको हम स्विच ऑन कर लिए और अपने सीपीयू का भी एक स्विच ऑन कर लेते हैं। ओके, स्विच ऑन करने के बाद इसको बोला जाता है आपको सीपीयू, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो इसको बोला जाता है सीपीयू बोला जाता है। ओके, जैसे ही मैं स्टार्ट किया तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ पे जो है लाइट बर्न हो रहा है, लेकिन मॉनिटर में क्या है, पीछे भी आपका एक ये होता है बटन होता है, तो आप अपने मॉनिटर का भी बटन वहाँ से ओपन, मतलब ऑन करना आपको, लेकिन पहले से आप यहाँ से ऑन है ये मॉनिटर। ओके, तो आप स्विच ऑन करने के बाद, मतलब सर्किट बोर्ड का स्विच ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने सीपीयू का बटन को ऑन करना है पहले। तो सीपीयू का बटन आपको मिल जाएगा, तो मैं यहां से सीपीयू का बटन को ऑन कर दिए। ओके, जैसे मैं स्विच ऑन किए तो आपको यहां पे ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे देखिए कंप्यूटर मॉनिटर में जो है आपको लाइट आ गया, तो कुछ मिनट लगेगा आपको स्टार्ट होने में। तो इस मॉनिटर में, मैं इस कंप्यूटर में विंडोज 7 है, तो स्टार्टिंग विंडोज लिख रहा है ना, तो कुछ टाइम लेता है आपको स्टार्ट होने में, तो आपको घबराना नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए हमारा कंप्यूटर जो ओपन हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं हमारा कंप्यूटर जो है ऑन हो चुका है। अब बात आती है कि कंप्यूटर को हम लोग शट डाउन कैसे करते हैं, मतलब कंप्यूटर को हम लोग बंद कैसे करते हैं। तो
तो देखिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो आपको लेफ्ट साइड में आपको जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको बोलते हैं स्टार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्ट मेनू बोलते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो शट डाउन का बटन देख रहे हैं, जो शट डाउन देखिए यहाँ पे शट डाउन, तो आपको यहाँ पे तो इस शट डाउन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। बस इस तरह से सिंपली क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका कंप्यूटर जो है आपका शट डाउन हो चुका है और यहाँ पे देखिए मॉनिटर में ब्लैंक स्क्रीन हो चुका है, अब लिख रहा नो सिग्नल। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानने की व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है और फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर हम लोग कैसे ऑन करते हैं, कैसे हम लोग शट डाउन करते हैं। तो आई होप को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।